ओके छोटू, लग गया। ठीक है ठीक है, छोड़ दे, आ जा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा, थ्री टिप्स फॉर बिग बाइसेप्स, तो वही तीन टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन तीन टिप्स से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मसल ग्रोथ के लिए आपका न्यूट्रिशन, आपका डाइट, आपको वर्कआउट, पॉस्चर और आपकी फॉर्म सब एक साथ मिलके सही तरीके से काम करते हैं, तब जाके आपकी मसल ग्रोथ होती है। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इन टिप्स को आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड कर लीजिए, ये सच में काम करती है, दे आर रियली वर्क्स। सो टिप नंबर वन, तो जब भी आप वर्कआउट करते हैं, जिस भी वेट से आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस वेट को आप थोड़ा बढ़ाइए। उसके लिए आपकी रेप रेंजेस कम हो जाएगी, वो चलेगा। 8 से 10 रेप रेंजेस अगर आप कर पाते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि आप जब तक वेट नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपके मसल टिश्यू ब्रेक नहीं होंगे। अगर आप नॉर्मल वेट से 12, 15, 20 तक रेपिटेशन करते हो तो वो ठीक है, लेकिन उसमें आपकी साइज गेन नहीं होगी। अगर आपको साइज बढ़ाना है तो आपको वजन बढ़ाना होगा। पर आप वजन इतना भी ना बढ़ा ले कि आपकी फॉर्म खराब हो जाए। नाउ द टिप नंबर टू, टिप नंबर टू इज MMC। जितने भी लोग वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं या जो भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये शब्द, ये वर्ड जरूर सुना होगा, MMC, यानी मसल माइंड कनेक्शन या माइंड मसल कनेक्शन एक ही बात है। तो जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लीजिए कि आज बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाइसेप का वर्कआउट कर रहे हैं, तो जब भी हम बाइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके माइंड में बाइसेप्स ही होना चाहिए। आपके माइंड में बाइसेप्स होगा तो आपकी ताकत बाइसेप्स से ही लगेगी, और ये वाकई में बहुत काम करता है, जस्ट ट्राई इट। नाउ द टिप नंबर थ्री, एंड टिप नंबर थ्री इज स्क्वीज। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बीच में जो आपको रेस्ट लेते हैं आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड या जो भी आपका रेस्ट पीरियड है, उस रेस्ट पीरियड में आप उस मसल ग्रुप को स्क्वीज करिए। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट का सप्लाई है वो ब्लड के थ्रू होता है। तो जब भी हम स्क्वीज करते हैं, जब भी हम जिस बॉडी पार्ट को स्क्वीज कर रहे हैं, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है। उस बॉडी पार्ट में, उस मसल ग्रुप में ब्लड ज्यादा पहुंचता है और जल्दी पहुंचता है, तो उस ब्लड के थ्रू उस मसल ग्रुप को वो न्यूट्रिएंट भी जल्दी मिलते हैं जिसकी उसे जरूरत है, और ये उस मसल ग्रुप को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, इन तीन टिप्स को आप जरूर ऐड करिए अपने वर्कआउट शेड्यूल में, ये वाकई काम करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और नीचे जो लाल रंग का बटन है जिसपे सब्सक्राइब लिखा है, उसे जरूर क्लिक करिएगा। उसके बाद जो बेल आइकन है यानी घंटी का निशान है, उस पर भी टच करना, क्योंकि उसी से ही आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।